दाल भजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल लिए है, ये मैंने लगभग 1 कप लिए है। तो इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चने दाल को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी और अभी इस चने दाल को 3 से 4 घंटा अच्छे से भिगोने के लिए रख देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चने की दाल अच्छे से भीग चुकी है, 3 से 4 घंटा मैंने भिगो कर रखा था। अब इसका हम पानी निकाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है। अभी इस दाल को, चने की दाल को हम मिक्सर में डाल देते हैं और इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। हमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चने की दाल को दरदरा जैसे पीस लिया है और जैसे दाल दाल भी दिखनी चाहिए तो खाने में टेस्टी बनेगी। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चने दाल को पीस कर एक बाउल में निकाल लिया है। अभी यहाँ पर हम एक एक चीज़ें ऐड करेंगे। आधा चम्मच हरी मिर्च मैंने इसको बारीक कर लिया है, कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते, इसे हम ऐसे बारीक कर कर डाल देंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इसे हमें हाथों से रगड़ कर डालना है ताकि अजवाइन का टेस्ट पकोड़े में बहुत ही टेस्टी आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच धना जिसे मैंने दरदरा पीस के लिया है, नमक स्वादानुसार और कुछ धनिया के पत्ते जिसे मैंने बारीक काट कर लिया है। अभी सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैं हाथों से ही मिक्स करूंगी ताकि जो पकोड़े बनेंगे हमारे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और सारी चीजें भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो आप झटपट इसे बना कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बैटर अब बिल्कुल रेडी है पकोड़े के लिए। तो चलिए हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए हम दाल भजिया बनाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हम तेल में भजिया डाल देंगे। दाल भजिया खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और तेल में डालते समय बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाहर बारिश बहुत जोरों से गिर रही है तो आप ये गर्मा गर्म दाल भजिया बनाकर देखिए। इसे अब हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी तरफ से पलट के हमें दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर दाल वड़ा अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दाल वड़ा फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रेडी हो चुका है गर्मा गर्म दाल भजिया।